हेलो दोस्तों, नमस्कार। बबीता पवार रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं आलू कॉर्न बर्गर, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गैस पर पैन चढ़ा दिया है। 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालना है, 1/4 छोटी चम्मच जीरा, और इसे अच्छी तरह से चटकने देंगे। 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसे भी हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है प्याज को, हल्का सा ही भूनना है। तो चलिए अब इसमें हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक और इसे भी कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। फ्लेम हमें लो ही रखना है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, और लाल मिर्ची पाउडर 1/2 टेबल स्पून। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम डालेंगे कद्दूकस किए हुए उबले हुए आलू और इसमें उबले हुए कॉर्न डालना है, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसालों में। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक में डालना भूल गई थी तो अब डाल रही हूँ। तो चलिए इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और ये तैयार हो गया है। प्लेट पर निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। थोड़ा सा मैं इसे फैला देती हूँ ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए और हम जल्दी से झटपट से टिक्की बना सके। जब तक हमारा मिश्रण ठंडा हो रहा है तब तक गैस पर पैन चढ़ा देंगे। थोड़ा सा बटर डालेंगे और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी प्याज, ये लंबाई में कटी हुई 1 मीडियम साइज की प्याज है। यहाँ पर मैंने 3 तरह की शिमला मिर्च ली है, लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च और पीली शिमला मिर्च। तो तीनों ही मैंने यहाँ पर डाल ली है। बहुत ही हेल्दी बर्गर बनने वाला है। थोड़े से टमाटर भी मैंने यहाँ पर डाले हैं। अब हम इसमें नमक डाल देंगे और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, ऑरिगेनो डालेंगे थोड़ा सा, और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा ही भूनना है इसे। चलिए कुछ सेकेंड के लिए हम इसे भून लेते हैं। फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है। तो ये रेडी हो चुकी है सारी ही सब्जियाँ। गैस बंद कर देंगे। तो चलिए और ठंडी होने देते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर बैटर तैयार करेंगे। एक पतला सा घोल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप के करीब ले लिया है चावल का आटा, आप मैदा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे और एकदम पतला घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरह का पतला घोल बना लिया है। बहुत ज़्यादा भी पतला नहीं तो बहुत गाढ़ा भी नहीं, मीडियम है। यहाँ पर मैंने पोहे से क्रम्स बनाए हैं, आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं। तो इस तरह का दरदरा सा पीस लेना है, और ये हमारा मिश्रण तैयार हो गया है। तो चलिए इससे हम टिक्की बना लेते हैं। टिक्की हम थोड़ी सी बड़ी और मोटी साइज की बनाएंगे। आपका बर्गर जितना बड़ा है ना, उसके नाप से ही आप टिक्की तैयार करें। और इस तरह से डिप करेंगे घोल में, क्रम्स में लपेटेंगे इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, और ये हमारी टिक्की बनकर तैयार हो चुकी है। तो सारी टिक्की मैंने ऐसे ही बना ली है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, फ्लेम हम लो टू मीडियम कर देंगे। और चलिए डाल लेते हैं। पहले हम 1 टिक्की डालकर देखेंगे, और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें टिक्की को सेकना है। एक साइड से अच्छे से टिक्की सेक चुकी है, तो चलिए साइड चेंज कर देते हैं। ये देखिए, और दूसरे साइड से भी अच्छे से सेक लेते हैं। टिक्की को सेकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है क्योंकि मोटी होती है टिक्की। तो इसी तरह से दोनों साइड से पलट पलट कर अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे सेकना है। टिक्की हमारी रेडी हो चुकी है, तो चलिए निकाल लेते हैं। इसे मैंने टिश्यू पेपर पर निकाला है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सोक कर ले। और ये देखिए टिक्की हमारी एकदम क्रिस्पी बनी है। ये देखिए कितनी अच्छी सी क्रिस्पी सी टिक्की बनी है। तो चलिए बर्गर बन को हल्का सा सेक लेते हैं। गैस पर पैन चढ़ा दी है, बटर डाल दिया है थोड़ा सा, और यहाँ पर मैंने इस तरह से बन को कट कर लिया है। ये देखिए, तो चलिए हल्का सा सेक लेंगे। इससे बहुत ही अच्छे एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं और टेस्ट इसका दोगुना हो जाता है। तो चलिए बर्गर की मेकिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा सॉस डालेंगे, 1 टेबल स्पून सॉस, 1 टेबल स्पून मेयोनीज, और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है।
तो चलिए इसमें भी सॉस लगा देते हैं, मिक्स करते हैं। कैबेज लीव्स रखेंगे, टिक्की रखेंगे, चीज़ और जो वेजिटेबल है उसे भी अच्छी तरह से सेट करके रखेंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा सुंदर और एकदम हेल्दी होने वाला है। ये देखिए, इस तरह से थोड़ी सी मेयोनीज लगाएंगे और इस तरह से रख देंगे। बहुत ईजी है बर्गर बनाना। और ये देखिए, मार्केट की तरह बिल्कुल टेस्टी सा बर्गर हमारा बनकर रेडी हो चुका है और बहुत इजी है इसे बनाना। मार्केट में ऐसे बर्गर 200 से 300 तक मिलते हैं और हम घर पर बहुत सफाई से बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं और अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। और यदि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।